हेलो ए विक्की, कैसा है यार? कौन है? अभी भी ट्रांसफार्मर फोड़ रहा है क्या? हम लोग कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड थे यार। अर्जुन चल यार, तुझे याद तो हूँ। देख, बात ऐसी है कि मेरी शादी तय हो गई है नेक्स्ट मंथ बेंगलोर में। 2 दिन पहले ही आना है बैचलर पार्टी के लिए। अरे जरूर जरूर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, क्या अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज ही है, पर मैं उससे प्यार भी करता हूँ। ओहो, क्या बात है। और तू भी ना, एकदम हमारे बीच से गायब ही हो गया। आउटलुक में मैंने तेरे बारे में आर्टिकल पढ़ा, मुझे बहुत खुशी हुई। अपने मंगेतर को भी दिखाया। अच्छा यार, अपने बैचमेट्स वासु शिवा क्या कर रहे हैं? बहुत पढ़ने वाला शिवा अपने फादर का कॉन्ट्रैक्ट देख रहा है, और वासु ने तो ज्यादा पढ़ाई नहीं की ना, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। ठीक है, मुझे इन दोनों का नंबर व्हाट्सएप करना। या श्योर। वैसे भी अपने कॉलेज डे अलग थे यार, वो लड़ाई झगड़े, वो डांस मस्ती, सितारा मैडम। शादी में नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन पार्टी में आना ही पड़ेगा। या श्योर, ओके ओके यार, डोंट मिस इट, बाय। ओके बाय। हाय। कौन हूँ ये सोच रहे हो ना? आपकी फैन हूँ सर, याद आया क्या? उस दिन बिल के टैक्सेस के बारे में आपने एक्सप्लेन किया था। ओह हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। लेकिन इतनी सुबह सुबह यहाँ? फैंस का टाइम से क्या लेना देना, बोलिए। टीवी में, यूट्यूब में आपकी अच्छी फॉलोइंग है ना? सार्कास्टिक वे में बात कर रही हो? अरे ऐसा क्यों कह रहे हो, अभी नहीं, तुम्हें काफी समय से फॉलो कर रही हूँ। सबको तुम्हारा खाना पसंद है, और मुझे पसंद है तुम्हारी कविताएं। कुछ याद आया क्या? स्काई इज ब्लू, माय लव इज ट्रू, आ गई है जवानी, मैं हो गया हूँ दीवाना, तू दे दे मेरा साथ तो बन जाए अफसाना। ये लेटर तुम उसे दे दोगी? ठीक है, बड़ा सा चॉकलेट दिलाऊंगा। ओके, वेरी गुड, जाओ 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 जाओ। सिंधु, oh my god, are you serious? Yeah, oh can we sit down? Yeah, sure, please. कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना? No, years. हाँ वही, कितने years के बाद? यकीन ही नहीं हो रहा है मुझे, असल में मैं पहचान ही नहीं पाया। वैसे तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? पता नहीं, मे बी तुम्हें बहुत बार याद करने की वजह से। Can I have a juice? Yeah, sure. अरे भाई, क्रैनबेरी? Okay? Yeah, yeah. दो क्रैनबेरी। Okay. सिंधु, तुमने वो लेटर पढ़ भी लिया था क्या? पढ़ना क्या था, मैंने तो दिया भी नहीं। सच में? सुमा दीदी के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, और हमारे स्कूल प्रिंसिपल भी स्ट्रिक्ट थे, हमारे टेंशन हमें ही पता है। इसीलिए तुमने नहीं दिया? ऐसे किसी का लेटर कोई पढ़ता है क्या? जाने दो, कब से रहती हो यहाँ पर तुम? 3 साल से। वैसे आंटी अंकल कैसे हैं? अंकल इज एब्सोल्युटली फाइन, आंटी वहाँ ऊपर है। ओह, आई एम सॉरी। हाँ, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। स्वच्छ भारत ना, अब क्या हो गया? एक छोटा सा सरप्राइज, ये सिंधु है। हाय। हाय। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड। किसका चाइल्डहुड? मतलब ऑलमोस्ट हाफ जनरेशन का गैप है ना। समझ गया, मतलब तुम्हारे बॉयहुड में चाइल्डहुड थी, वैसे ये तुम्हारी चाइल्डहुड हो गई। एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि मैम ये जो है ना, अब ये कुछ बोलने देगा तभी तो बोल पाऊंगा मैं। कैरी ऑन, थैंक यू, हैव इट। ओके। ओए, आज अपना हीरा बहुत खुश है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। लड़कियों को सेल्फिश कहते हैं, पर होती नहीं। कौन, सिंधु? नहीं, जो पसंद थी वो सुमा के बारे में बोल रहा हूँ। सिंधु ने लेटर दिया ही नहीं, तो उसे पता कैसे चलेगा? करेक्ट, राइट। बहुत बुरा बोल दिया था उसके बारे में। ओ, पूरे 15 साल लग गए सुमा अच्छी है ये जानने में। लड़कियां अच्छी होती हैं यार। अच्छी होती हैं। वो लड़कियां क्या होती है? अच्छी होती है। फोन नंबर ले सकता था ना, पता चल जाता कि वो आ रही है या नहीं। ले आ गई। हाँ? पीछे घूम। क्या विकी, अपना नंबर तो दे सकते थे ना, मुझे डाउट था तुम यहाँ होगे कि नहीं।
तुम कुछ खाओगी क्या? यहीं पे खाना होगा क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, चलो बाहर चलते हैं। या श्योर, कम ऑन कम ऑन। अरे इस तरह क्या सुन रहा, तेरा दोस्त वैसे भी कॉस्टली बॉटल लेके आया है, धो लेना और फिर पी लेना। अपने वाले लव कम, अरेंज वाले ज्यादा है। तेरी होने वाली बीवी करती क्या है? उसके पापा के पास 50 एकड़ जमीन है, और क्या करेगी वो? बाप रे, उसमें से अपने को कितना मिलेगा? लड़कियों को बेचोगे तो प्रोस्टिट्यूशन, लड़कों को बेचोगे तो दहेज बोला जाता है। सिर्फ तरीके अलग है, मतलब तो एक ही है। ए, यू मैच्योर मैन। तुम्हारी वाइफ का क्या नाम है वासु? उमा। उपमा? नाश्ते का नाम रख दिया, कोई तो वैरायटी होनी चाहिए थी। बकवास बंद करो। तुम्हारे ससुर जी का नाम इडली और सासू जी का नाम पोहा है। अरे उपमा नहीं है यार, उमा है। ऐसे लोग जो करने के लिए भी हम दोनों के पास कोई नहीं है, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं। जाने दे, हम दोनों की एक ही जोड़ी है, ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। निकल, हम दोनों कैसे बन सकते हैं, मुझे जरूरत नहीं है। ये भाई लोगो, सर की नई लव स्टोरी का पता है क्या? कौन रे? वासु, 15 साल पहले याद है क्या? कौन थी पता है? सुमा थी। सुमा वो, और यहाँ शादी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए होंगे, गलत खबर है। कुछ भी पूरा नहीं सुनता है ना तू। सुमा तक लेटर पहुँचाने के लिए कुरियर की तरह किसे यूज किया था? किसे? सिंधु। वो छोटी वाली अभी बड़ी हो गई है। ओ, तो अभी क्या हुआ? होना क्या था, सर को लव हो गया उसके साथ। तो क्या उसके ऊपर क्या होगी? लगभग 22 साल। और तेरी? जाने दे। सैफ अली खान के फर्स्ट मैरिज में करीना कपूर 11 साल की थी, शादी में जाकर इतना सारा आइसक्रीम खाई थी। अभी वही करीना कपूर 21 इयर्स के बाद वही सैफ अली खान के साथ शादी करके दोनों ने मिलकर इतनी आइसक्रीम खाई थी। उन दोनों के बीच में कितना फर्क है? यार कोई भी स्टोरी हो तेरे लिए एग्जांपल बड़े अच्छे मिल जाते हैं। विकी ये सब नहीं, तू बहुत दिनों के बाद एक्टिव और हैप्पी दिख रहा है। बिना लेट किए अपने दिल की बात उसको बता दे। कौन होगा वो? फ्रेंड हो सकता है, भाई हो सकता है, चाचा होगा, दादा हो सकता है, मामा हो सकता है। कुछ भी बोल यार, प्यार होने के बाद सब कुछ पॉजिटिव लगता है। ओके बाय। देर किस बात की, चाचा जी चले गए, अब तू जाके प्रपोज कर। बहन जी दुर्योधन, तुम जाकर लड़की से बात करो, उसे प्रपोज करने से पहले ही वो तुम्हें हाँ बोल दे, मैं ऐसी चाल चलता हूँ। जाओ जाओ जाओ। हाय। हे प्रिया। वो कौन थे? अरे, इतना बड़ा रेस्टोरेंट इतने अच्छे टेस्ट के साथ चलाना विक्की के अलावा किसी के बस की बात नहीं है। तुमसे जो भी शादी करेगी ना उसकी तो समझो लॉटरी लगे, 7 जन्म निहाल हो जाएंगे। सर, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, उसकी वजह आप हो। क्या कहा? जो टेस्ट यहाँ है वो उसके हाथ के खाने में नहीं है, ऐसा ताना वो नहीं सुन पाई सर। लेकिन कोई बात नहीं सर, मैं यहीं पे खा के जी लूंगा सर। थैंक यू मैडम। अच्छा नहीं है, मैं कह रही हूँ ना मस्त है, फंटास्टिक, बट छोटा पड़ जाएगा। तुमसे पता नहीं कौन शादी करेगा, पर जो भी होगी लकी होगी। Will you take that luck? हाँ? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारे पेरेंट्स से आकर मैं बात कर लूंगा। मेरी शादी ऑलरेडी फिक्स हो गई है विक्की। दो दिन में एंगेजमेंट है। अभी जो आया मेरा फियांसे था। विक्की बैठ सकते हो? क्यों बैठो तुम्हारे साथ, 10 दिन से हम दोनों एक साथ घूम रहे हैं, एक बार भी एंगेजमेंट के बारे में बताना तुमने जरूरी नहीं समझा? इतना क्लोज क्यों आई तुम, इतनी नजदीकियां क्यों बढ़ाई? कभी तो बचपन में लिखे लव लेटर के बारे में इतने डिटेल में बता रही थी, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ाए बिना मैं कैसे रह सकता था? फाइनली मैंने बताया और तुमने रिजेक्ट कर दिया, अब खुश हो ना? हो गया ना?